नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। जस्टिस मार्कंडे काटजू सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रह चुके हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रहे। 2012 में इन्होंने एक बयान दिया था कि कम से कम 90% भारतीय बेवकूफ हैं, जिन्हें धर्म के नाम पर शरारती तत्वों द्वारा आसानी से बहकाया जा सकता है। इस पर बड़ा विवाद हुआ था, पर ये तो एक बानगी भर है। काटजू ऐसे कई बयान दे चुके हैं जिसे आप विवादास्पद कह सकते हैं। हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ घंटों में जस्टिस काटजू के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जस्टिस काटजू मैच मेकिंग करा रहे हैं। कुछ पोस्ट देखिए। इन पोस्ट में जस्टिस काटजू ने कुछ लड़कियों की प्रोफाइल पोस्ट की है जो शादी करना चाहती हैं, उनकी प्रेफरेंस भी पोस्ट में बताई है। हमने बात की जस्टिस काटजू से, उनसे पूछा कि इसके पीछे की वजह क्या है। तो जस्टिस काटजू ने बताया, ऐसे कई मामले हैं जहां लड़कियां शादी करना चाहती हैं लेकिन उन्हें सही मैच नहीं मिल पा रहे। देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, ऊपर से जाति और धर्म के इतने विभाजन हैं, इस वजह से सही मैच ढूंढना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इतनी बढ़ती हुई बेरोजगारी की वजह से शादी करने की इच्छा रखने वाली लड़कियां भी शादी नहीं कर पा रही हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसी वजह से जस्टिस काटजू उनकी मदद करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उनके फेसबुक पेज पर काफ़ी फॉलोअर्स हैं, हो सकता है कि इस स्टेप से किसी की मदद हो जाए। ये मैच मेकिंग कैसे काम करती है? जस्टिस काटजू ने बताया कि उनके पास फेसबुक पर मैसेजेस आते हैं, लड़की उनसे रिक्वेस्ट करती है तो वो उससे पूछकर जानकारी लेकर पोस्ट कर देते हैं। नाम नहीं बताते लेकिन उसकी ईमेल आईडी रख लेते हैं। फिर उनका पोस्ट देखकर जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो जस्टिस काटजू को ईमेल करते हैं। जस्टिस काटजू फिर उन ईमेल्स को उस लड़की को फॉरवर्ड कर देते हैं जिसके लिए रिक्वेस्ट आती है। उसके बाद जिम्मेदारी उन दोनों की। अभी ये पोस्ट सिर्फ लड़कियों के लिए हैं। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जस्टिस काटजू ने बताया कि उनके पास ईमेल्स और मैसेजेस की बाढ़ आ गई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इससे कैसे डील करें। उन्होंने बताया कि उन्हें आइडिया भी नहीं था कि इतना बड़ा काम होगा। अगर जस्टिस काटजू की मदद से किसी की सच में शादी हो जाती है तो क्या वो शादी अटेंड करेंगे? इस सवाल पर जस्टिस काटजू ने हंसते हुए कहा, अगर दिल्ली या आसपास शादी हुई तो जाएंगे, वरना स्काइप या जूम से भी आशीर्वाद दे देंगे। जस्टिस काटजू ने बताया कि वो इसे सिर्फ सोशल सर्विस की तरह कर रहे हैं ताकि वो किसी की मदद कर सकें, लेकिन इस पर लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। ये एक ज़रूरी मुद्दा है। शादी की उम्र हो जाने के बावजूद लड़कियों को मैच नहीं मिल पा रहे। जो लड़कियां शादी करके सेटल होना चाहती हैं उनको भी ये परेशानी है। आपके लिए खबर लिखी हमारी साथी प्रेरणा ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। लटक धरने पर चले और जहां पहुंचे वहां अनुप्रास और तुकबंदी के दरवाजे की सांकल हिला दे। कहें कि क्या रहा है ढूंढ तुमको खटक, कि कब ऑन करें मन का मोड मटक, कि क्यों चित्त जाता है यूं ही सटक, कि कैसे ना आए हौसलों में चटक, कि कहां तक करें इरादे गटक झटक, अब बेवजह न भटक, ये है निपट देसी मन लटक। पर यूं ही कहना होता तो पुराने रोग दफा करने की जरूरत क्या थी। तो बात यह है कि लल्लन टॉप हमारा है और हम बनता है मैं और तुम से। उसमें भी मैं घटता रहे तुम बढ़ता रहे तभी बात दुरुस्त है। वैसे तुम में किसी को तुर्शी लग सकती है, यूं बात आप कहने से भी बन सकती है। आपकी प्रतिभा के लिए आपका लल्लन टॉप लेकर आया है एक लोकतांत्रिक मंच का नाम है लटक। लटक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है लल्लन टॉप का। का से कबूतर इमला में, का से कुल्फी शिमला में, लेकिन लल्लन टॉप में का से किस्से, कविता, कॉमेडी और सब किस्म की कलाकारी। तो लटक है नए कलाकारों का अड्डा, वो जगह जहां आपका डेब्यू कई दरवाजे खोल सकता है। तो फिर दे दो दस्तक, भेजो अपनी कलाकारी लटक के पेज पर फीचर होने के लिए। हमारा पता है latak.lallantop@gmail.com। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।